नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूं रोशन और आज के इस MS Excel के अध्याय में हम सीखने वाले हैं मार्कशीट बनाना। दोस्तों बहुत ही यूजफुल वीडियो है और सबके लिए बहुत उपयोगी है, तो चलिए हम मार्कशीट बनाना सीखते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज़ हों, IT वीडियोज़ हो, सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है एक यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट तैयारी किया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, क्लास, रोल और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 8 सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने सारे मार्क्स हैं ये ऑप्टेन मार्क्स है स्टूडेंट्स का। तो ऑप्टेन मार्क्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, तो टोटल निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, डिवीजन निकालते हैं, रिमार्क्स और रैंक निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, सेल एड्रेस जानना होता है। दोस्तों क्या होता है, तो सेल एड्रेस होते हैं उसका हम डिफाइनिंग कर सकते हैं, सेल इच सेल हैज अ यूनिक नेम इज कॉल्ड सेल एड्रेस। हर सेल का एक यूनिक नेम होते हैं। जैसे जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेल है तो यहाँ पर देख रहे हैं I10 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं E15 है। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो M13 है। तो इसे कहा जाता है सेल एड्रेस। हालांकि कॉलम हेडिंग और रॉड नंबर के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो सेल एड्रेस होते हैं, और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होते हैं, वो रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो जितने फार्मूला जो एक्सेल का बनता है वो आपको सेल एड्रेस से ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ से हमें सम करना है। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडी, EPS, OPT मैथ और कंप्यूटर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिलेक्ट करके यहाँ तक, जहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे वहाँ तक आपको ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब भी आउट ऑफ समय क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कैलकुलेशन हो चुका है। इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको टोटल। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड भी है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से लेके ये जितने सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, यहाँ से लेके एक आगे कलम तक जहाँ कैलकुलेशन करेंगे सिलेक्ट कर देना है। जब भी आप यहाँ आउट ऑफ समय क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ईजिली हो चुका है। ठीक है, ये नेक्स्ट मेथड था। अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम करेंगे। सम करने के बाद आप जितने मार्क्स हैं, ये जो टू रॉ का फर्स्ट जो इंग्लिश का जो यहाँ पे मार्क्स जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ब्रैसेस क्लोज कर देना है। ये रेंज है E2 से लेके L2 तक। जब भी इंटर डालेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 100 भाग को कुछ भाग जो यहाँ पे जो स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिए हैं, ये इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, तो क्या होता है, तो टोटल मान लीजिए यहाँ पे परसेंट का फार्मूला होते हैं, टोटल ऑप्टेन मार्क्स। टोटल ऑप्टेन मार्क्स क्या है, M2 में है, M2 क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ब्रैसेस देते हैं, M2 देते हैं। जब भी M2 टाइप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, टोटल मार्क्स 582 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, 100 के बाद ब्रैसेस करेंगे स्लैश, इसके बाद कितना टोटल मार्क्स कितना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है तो 800 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 800 देंगे। जब भी इंटर डालेंगे तो 72.75 ही हो गया आपको परसेंटेज मार्क। इसे हम ड्रैग कर सकते हैं, इजिली ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको परसेंटेज। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रिजल्ट है, देखिए दोस्तों ये जो रिजल्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो रिजल्ट होता है स्टूडेंट पास ही होते हैं कि फेल ही होते हैं, सिर्फ दो रिजल्ट होते हैं, कोई भी स्टूडेंट पास होते हैं कि फेल होते हैं। तो हम किस तरह समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है जितने सब्जेक्ट, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, सोशल स्टडी है, EPS, अगर जितने सब्जेक्ट्स हैं तो पास का एक क्राइटेरिया होते हैं कि अगर 32 से ग्रेटर या 40 से ग्रेटर है सब्जेक्ट्स मार्क्स तो वो पास होंगे, अदरवाइज फेल होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे और इक्वल टू देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ, ठीक है, यहाँ पे इफ देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, ब्रेसेस देंगे
और ये जो फर्स्ट ये जो है E2, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं E2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, उसके बाद E के बाद क्या है यहाँ पे, F2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32। यदि F2 32 से ग्रेटर होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, उसके बाद H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, I2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे J2 देते हैं, ठीक है। J2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32 कमा K2, इसके बाद होगा K2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32 कमा L2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, अगर सभी जितने जो कंडीशन है सब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्टूडेंट पास होगा। अगर इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स है तो स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि जितने सारे कंडीशन एंड ऑपरेटर है, ये आपको लॉजिकल ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर का फंक्शन होते हैं कि इफ ऑल द कंडीशन इन गिवन कंडीशंस बिकम ट्रू देन प्रिंट ट्रू अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। मतलब दिए हुए कंडीशन, जितने कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंडीशन है, अगर सब कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, पास होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फेल प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांचेस क्लोज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, जब अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट जो प्रिंट है यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट फेल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेसेस क्लोज करते हैं। जब भी इंटर डालेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुका है, ठीक है। इसे ड्रैग करते हैं और फिर इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो ये स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। यहाँ इसे हम इंक्रीज कर देते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम इंक्रीज कर देते हैं और इसे हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये रिजल्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 78 में अगर हम 20 दे रहे हैं तो देख रहे हैं ये कंडीशन आपको फॉल्स हो चुका है, मतलब ये J2 जो है ये कंडीशन फॉल्स है, स्टूडेंट फेल है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये दिए हुए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला बार जो है, यहाँ पे आप फार्मूला पा सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि इफ एंड जो कंडीशन है, अगर दिए हुए सभी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जितने कंडीशंस है, मतलब कि जितने सब्जेक्ट्स मार्क्स में जो एग्जामिनेशन दिए हुए हैं सब में अगर जो ऑप्टेन मार्क्स क्राइटेरिया जो होता है पास को उससे ज़्यादा है तभी पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। तो क्या, आगे चलते हैं। देखिए डिवीजन क्या होता है, तो डिवीजन के लिए हमें परसेंट और रिजल्ट चाहिए। तो जो फेल स्टूडेंट होते हैं उसका क्या होता है, डिवीजन नहीं होते हैं या फेल ही होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ यहाँ पे रिजल्ट O2, ठीक है, इफ O2 इक्वल टू फेल, ठीक है। यदि O2 फेल है, मतलब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्टेड हो चुका है, अगर O2 मतलब रिजल्ट यदि जिस स्टूडेंट का फेल है, इसका मतलब उसका डिवीजन भी फेल होगा या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जो भी फेल, ठीक है। तो फेल स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट फेल ही होगा या कुछ नहीं, तो बाकी अब पास स्टूडेंट, तो इसके बाद हम लेते हैं क्या, परसेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ परसेंट यहाँ पे N2, इफ N2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर 80 से अबव है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे डिस्टिंक्शन प्रिंट होगा। क्या होता है, डिस्टिंक्शन, मतलब ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट, अगर जो ऑप्टेन मार्क्स 80% से ग्रेटर होते हैं तो क्या प्रिंट होता है, डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ यहाँ पे N2 मतलब परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे इफ N2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होगा तो क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करते हैं, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन हुआ। ये क्राइटेरिया है कि 60 अबव फर्स्ट डिवीजन, 80 अबव डिस्टिंक्शन, उसके बाद फिर कॉमा देना होगा। ये सिंटेक्स है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे डबल कोटेशन देना होगा, अगर आप सिंगल कोटेशन देते हैं तो फिर भी रन नहीं करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा देना होगा, फिर ये स्ट्रिंग है प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे डबल कोटेशन देना होगा। तो ये सिंटेक्स बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सिंटेक्स के क्या होता है, बहुत सारे एरर आपको कलेक्ट होता है। तो फिर क्या करेंगे, इफ यहाँ पे ब्रैकेट्स देंगे और N2 मीन्स एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, यदि 45 ग्रेटर है तो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होगा। अगर जो N2 मतलब एवरेज 32 से ग्रेटर है तो फिर क्या करेंगे, हम इफ लेंगे
ठीक है। इफ एन टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, अगर 32 से ग्रेटर है तब क्या होगा, यहाँ पे थर्ड डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे टी आई वी एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैसेज को क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैसेज को क्लोज करते हैं, कितना ओपन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 को क्लोज करते हैं, ठीक है। जब भी इंटर डालेंगे तो देख रहे हैं फर्स्ट डिवीजन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट फेल है उसको फेल डिवीजन आएगा, जो पास है उसका फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन डिस्टिंक्शन परसेंटेज हिसाब से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा बोल्ड हम कर देते हैं ताकि देखने में ईजी हो, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे बोल्ड कर दें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन हो चुका है, परसेंट हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है, डिवीजन। अब रिमार्क्स, देखिए दोस्तों रिमार्क्स क्या होता है, तो अगर हम फर्स्ट डिवीजन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ यहाँ पे 56 है, यहाँ 90 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे भी 90 कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 90 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 कर देते हैं, तो अगर हम इस तरह करते हैं, 90 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज भी, आपको डिवीजन टोटल मार्क्स परसेंटेज सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 90 कर देते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन हो चुका है, देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर हम यहाँ पे 90 जो है, यहाँ पे हम सी 23 देते हैं, देखिए फेल हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फार्मूला करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं, रिमार्क्स क्या होता है। तो अगर जो स्टूडेंट फेल है उसको हम क्या लिखते हैं, प्लीज ट्राई अगेन। अगर स्टूडेंट डिस्टिंक्शन है तो एक्सलेंट लिखते हैं, अगर स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन है तो वेरी गुड लिखते हैं। इस तरह हमें फार्मूला देना होता है। तो देखिए जिस तरह मैंने ये फार्मूला यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो दिया हूँ, ये जो देख रहे हैं, इसी तरह सेम फार्मूला फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे O2 और N2, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक में कॉपी कर लेते हैं, O2 N2 देना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रख करके यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पे कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कर्सर रखें। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जा करके हमें फार्मूला को पेस्ट करना होगा। जब भी फार्मूला पेस्ट करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला जो इसमें जो था फील्ड में O2 और N2, सिर्फ हमें ये यहाँ पे एडिटिंग करना होगा O2 N2। यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम O2 करेंगे, ठीक है, O2 करेंगे। और इसके बाद सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, प्लीज स्टूडेंट अगर फेल है तो उसका जो रिमार्क्स होगा, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अगर N2, इसके बाद क्या होगा, N2 मतलब क्या, परसेंटेज, देख रहे हैं यहाँ पे N2, जिस तरह यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में N2 है तो N2 इज ग्रेटर देन 80 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डिस्टिंक्शन है तो हमें रिमार्क्स में देना होगा एक्सलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सलेंट करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीजन, तो रिमार्क्स में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेरी गुड, रिमार्क्स में क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेरी गुड, ठीक है। अगर यहाँ पे O2, देखिए यहाँ पे O2 नहीं होगा, N2 होगा, यहाँ पे N2 होगा, एवरेज होगा, और यहाँ पे भी N2 होगा, वेरी गुड। इसके बाद अगर N2 जो 45 से ग्रेटर है तो इसमें क्या होगा, गुड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे गुड करेंगे। और नॉर्मल में जो 32 से ग्रेटर लाते हैं, यहाँ पे N2 देंगे, क्योंकि परसेंटेज देना होता है, परसेंटेज से कैलकुलेशन होता है। जिसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। अब क्या हुआ, इस तरह कैलकुलेशन हो गया। जब भी इंटर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन, ये जो मैसेज है प्लीज ट्राई अगेन यहाँ पे आ चुका है। अब इसे हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करते हैं तो देखिए रिमार्क्स कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट करें,
सेलेक्ट करके हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है थोड़ा, उसके बाद हमें क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए रैंक, देखिए दोस्तों रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंक का मतलब होता है पोजीशन, कि स्टूडेंट का पोजीशन क्या है। देखिए रैंक क्या होता है, तो दो तरह का स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं रैंक के लिए, कि अगर स्टूडेंट फेल है तो फेल स्टूडेंट का रैंक होता नहीं है, ठीक है। एवरेज में लेते हैं तो सभी को निकाल सकते हैं, तो पहले हम एवरेज को जनरल को लेते हैं, जो फेल भी है जो पास भी है, तो इक्वल टू क्या करते हैं हम आर्यन के रैंक निकालते हैं, ठीक है, रैंक निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मान लीजिए टोटल हिसाब से निकाल सकते हैं, परसेंटेज हिसाब से बेहतर होगा टोटल से निकालें। टोटल मतलब M2, ठीक है, यहाँ पे क्या है M2 लेते हैं, यहाँ पे देखें M2 सिलेक्ट हो चुका है, कॉमा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं डॉलर M, डॉलर 2, ठीक है, इज टू क्या होगा कहाँ तक, 7 तक, डॉलर M, डॉलर 7, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, जब भी इंटर डालेंगे देखिए यहाँ पे रैंकिंग आ चुका है, फेल का भी रैंकिंग है। लेकिन जो रियली जो हम सोचते हैं तो फेल को रैंकिंग होता नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ये फार्मूला फेल्यूर हो जाते हैं। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर हम फेल स्टूडेंट को रैंकिंग अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर इसका फार्मूला अलग है, तो हम क्या करते हैं इक्वल टू देंगे इफ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इफ रिजल्ट ओ टू में जाएंगे, ठीक है, इफ ओ टू इक्वल टू फेल, ठीक है, अगर ओ टू फेल है तो क्या होगा, यहाँ पे नो रैंक, यहाँ पे क्या होगा स्पेस दे दीजिए, फेल होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम स्पेस देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा। अदरवाइज मतलब अगर फेल है स्टूडेंट फेल है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, मतलब इसका रैंकिंग है ही नहीं। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज करते हैं, रैंक फंक्शन यूज करते हैं, क्या देंगे रैंक में, अब देखिए टोटल, टोटल M2, ठीक है, M2 कॉमा डॉलर M, डॉलर 2 इज टू क्या होगा डॉलर M, और डॉलर क्या होगा यहाँ पे 7, ब्रेसेस क्लोज करते हैं, ठीक है, ये ब्रेसेज इसलिए है, और यहाँ पे जो ओपन किए इफ, ये ब्रेसेज यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। जब भी इंटर डालते हैं तो देख रहे हैं फेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फेल स्टूडेंट्स को रैंकिंग है ही नहीं, 1362, ठीक है, 1, 2, 3, 6, 4, 5 इसके लिए इसीलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरेज इसका टोटल मार्क्स ज़्यादा है। तो इस तरह हम एम एस एक्सेल में इजिली मार्कशीट बना सकते हैं, टोटल परसेंट रिजल्ट डिवीजन फंक्शन रिमार्क्स फंक्शन यूज करके। और इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई ट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।